if you are not writing mocks, you must start writing mocks immediately. Unless you write mocks, it is not going to help you. और मॉक्स ये जरूरी नहीं है कि जो हमने मॉक दिए आप वही लिखो. आप कोई भी मॉक लिखो, आपके पास मटेरियल बहुत है, आप अपना मॉक खुद बनाओ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट है, अपने मॉक्स खुद बना लो. पेपर को एनालाइज करो कि एक 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 पेपर में कितने एवरेज क्वेश्चंस पूछता है. एक दिन लगेगा, एक दिन भी अगर लगाओगे 10 मॉक बना लोगे एक दिन में बैठ के, और वो 10 मॉक्स को खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो. सो आपसे ज्यादा गाइड खुद का कोई और नहीं हो सकता. स्टॉप डिपेंडिंग ऑन एनीबडी. कौन मटेरियल देगा, कब कहां से क्या होगा, जस्ट डोंट डू दैट. यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ, है ना. ऑनलाइन कितना कंटेंट अवेलेबल है, हम लोगों ने भी कितना क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है. मिक्स करके, मिक्स मैच करके अपने लिए खुद एक बफे तैयार करो ना. दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव एंड दिस इज दीज आर द एरियाज वेयर आई वुड लाइक टू जज माय सेल्फ. नहीं, ये स्कोर बहुत खराब है. अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी आप लोगों ने? कितने लोग हैं जिन्होंने हाँ फैक्ट्स देखे हैं? बहुत सारे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं और फेसबुक पे लोग ऐसे पीपीटीज बना के डाल रहे हैं. बट हैव यू जेन्युइनली सीन द ड्राफ्ट? हैव यू हैड अ लुक कि एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है? आप लोगों को दुख हो रहा है कि आप लोग उसका हिस्सा नहीं हो? आप लोगों के टाइम पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ ये सब? मुझे तो बहुत हो रहा है. मतलब इफ आई शेयर माय स्टोरी, मैंने ग्रेजुएशन किया था अपना, इंजीनियरिंग किया था बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है. और मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री कतई पसंद नहीं था. आई नेवर न्यू, मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी क्यों चूज किया था. तो मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मुझे फिजिक्स और मैथ्स ज्यादा पसंद था. और आई हैड पीसीएमबी इन माय स्कूल डेज. तो जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, एंड आई वाज लाइक ओह शिट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे ना तो बायो पसंद ना केमिस्ट्री पसंद, एंड द सब्जेक्ट वाज बायोकेमिस्ट्री. एंड व्हेन आई हैव सीन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके ऊपर, तो मुझे लगा कि वाओ, इट्स लाइक अमेजिंग. ये हमारे टाइम पे होता तो ना जाने मैं कौन कौन से कोर्सेस इन्वेंट करके खुद को ही सिखा देती. सो बट आई एम ग्लैड, देर आए दुरुस्त आए, बट आने वाली जनरेशन इसका फायदा उठाएगी. और आप लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इसको ध्यान रखो. सो मैं तो यही होती, मैंने कहाँ जाना. चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर. आज का लेक्चर इज अबाउट टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत आसान है, बहुत बेसिक्स है. इससे पहले टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट करें, एक बात है जो मैं स्किप ना कर जाऊं, आई वुड लाइक टू टेल यू. मैं ये नोटिस कर रही हूं कि जब हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे क्विज लेते हैं, आप लोगों की क्विज करवाते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस समय क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. अगर आप उनमें से हैं, ये सोचते हो कि यार क्वेश्चंस आ गए, मैं बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा और बाद में देख लूंगा, मैं बार बार एक बात आप सबको बता रही हूं कि ये सब कुछ पर्पसली डिजाइन किया गया है. क्यों हम लोग बिल्कुल 9 बजे शुरू करते हैं? क्यों आप वो जो 20 मिनट मेरे साथ बैठते हो ना एक जगह पे कि मेरा क्विज चल रहा है, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होंगे उनको वो ये फील कर पाते होंगे कि उनकी नजर नहीं हटती होगी स्क्रीन से, क्या आसपास लोगों को बोल देते होंगे मेरा क्विज चल रहा है 2 मिनट रुक जाओ. ये बहुत स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है. और ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि जब आपको कंटेंट जिस समय दिया जा रहा है, आप उसको उस समय उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, वो अपना इफेक्ट कम कर देगा. तो प्लीज जिन चीजों को जैसे करवाया जा रहा है वैसे ही करो. हम छोड़ सकते थे आपको क्विज कराना. व्हाई आई एम टेकिंग दीज सेशंस, कोई जरूरत नहीं है इसकी. वी हैव टॉट यू सफिशिएंटली, जितना हमने कमिट किया था हम उतना करवा चुके हैं. लेकिन फिर भी आपको ये चीजें डिलीवर हो रही है क्योंकि ये मैं नहीं करवा रही हूँ. और ये बात मैं पहले दिन से आपको कह रही हूँ. और अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो कि क्विज को उस समय अटेम्प्ट नहीं करता, बाद में देखता है, या क्विज देता ही नहीं है,
यू आर चीटिंग योर सेल्फ. और यू नो कि फिर ये गलत है ना, जब आप चीटिंग करोगे फिर आपके साथ भी चीटिंग होगी. सो प्लीज मेक श्योर यू डू थिंग्स एज दे आर प्रिस्क्राइब्ड. मैं नाम ले सकती हूँ बहुत सारे लोगों के, मुझे पता है, बट आई वोंट डू दैट. ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू डू इट रिलीजियसली. एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, एग्जाम डेट, आपका एग्जाम कल है शुभम, तो कल के हिसाब से तैयारी कर लो अभी. ठीक है, कल है, कल एग्जाम है शुभम, कल के हिसाब से तैयारी करो. एग्जाम डेट के ऊपर डिपेंड मत हो. एग्जाम आपको भी नहीं पता कब होगा, मुझे भी नहीं पता कब होगा. यू जस्ट कैन नॉट एंटिसिपेट, एंड दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्यूटली अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है, अपनी तैयारी ऐसे रखो जैसे कि कल होगा. एग्जाम तो होने दो दानिश, कट ऑफ की बात कर रही हूँ. कट ऑफ एग्जाम पे डिपेंड करता है, कट ऑफ डिपेंड करता है कितने लोगों ने पेपर दिया, इन सारी चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करता है. अभी से कैसे कट ऑफ बता दें हम? आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो मुझसे? नेटवर्क इशू की वजह से समटाइम्स क्विज में पार्टिसिपेट नहीं हो पाता, तो नेटवर्क को ठीक करो ना मेरे बेटा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क. ज्यादा कुछ लंबा नहीं है, नो रॉकेट साइंस एज यूजुअल. ऐसे हो जाएगा खत्म पूरा चैप्टर. सो रॉक इसके अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता. इफ आई रिमेम्बर 2015 में पूछा था, 17 में पूछा था, एंड एक दो सालों में और पूछा है. तो इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे. SSC के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, IBPS PO के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा. मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पहले ही मैथ्स का आपको डर है और पहले ही मैथ्स का एक फोबिया है. सो डोंट वरी, वी विल स्टार्ट एंड वी विल ओनली हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो मैं कोई हाई लेवल क्वेश्चन कराने भी नहीं वाली हूँ. आधे घंटे में, मैक्सिमम 45 मिनट्स में मैं खत्म करा दूंगी. ठीक है, सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इफ यू कैन सी दिस लेट मी नो, इज दिस विजिबल टू यू? बताइए जरा, इज दिस विजिबल? ठीक है, गुड. तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा आपसे. ठीक है, जो कि दोनों ही बहुत आसान होते हैं. पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है. पेपर पेन सब लेके बैठे हुए हो ना, मैथ्स की क्लास है, पेपर पेन सबके पास है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग. सो इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पूछता है, कैसे कि किसी भी काम को किया जा रहा है, किसी भी काम को करने में क्या समय लगता है, क्या समय नहीं लगता, ये सारी बातें पूछी गई. कई बार आपने जोक्स भी ऐसे सुने होंगे कि एक चादर को सूखने में 10 दिन लगते हैं, तो बताओ 10 चादरों को सूखने में कितने दिन लगेंगे. ऐसे बहुत सिंपल से लेम क्वेश्चंस हैं. 4 बिल्ली 2 चूहों को 4 दिन में खाती है, तो बताओ 2 बिल्ली 3 चूहों को कितने दिन में खाएगी. ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत बहुत सिंपल से कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे और आंसर ऐसे आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि ए किसी काम को करने में एक्स डेज लगाता है, बी उसी काम को करने में वाई डेज लगाता है. तो बताइए यदि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे. ये उसका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है और ये सबसे आसान टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आई एम श्योर कि अगर कभी आपने कोई भी लॉजिकल रीजनिंग या मैथ्स का या फिर कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर दिया होगा, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए गए होंगे. हम उन किसी भी फॉर्मूलाज में नहीं जाने वाले. आई पर्सनली हेट मगिंग अप फॉर्मूलाज. सो मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ये कैसे डेवलप हुआ और हम वही ट्रिक इस्तेमाल करें. ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं कि ये जो पूरे, ये जो दो लोग है ना, ए और बी, ये लोग लड्डू बनाने का काम करते हैं. ठीक है, अभी देखो परसों राखी है, तो क्या कर रहे हैं घर में, बड़ी मिठाइयां बन रही है. हाँ शुभम, वी वोंट डू दिस. मुझे पता था कोई ना कोई आएगा फॉर्मूला के साथ. वी विल नॉट डू दिस. ओके, सो अब ये क्या करते हैं, ए और बी लड्डू बनाने का काम करते हैं, तो ये लड्डू बनाते हैं घर में. अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आपको भी लड्डू बनाने के लिए रखा जाए और मुझे भी रखा जाए और हम दोनों बराबर के लड्डू बनाए, ऐसा तो जरूरी नहीं. लेकिन हमारे पास ना कंसाइनमेंट आता है पूरा पूरा कि आपको 600 लड्डू बनाने हैं, 500 लड्डू बनाने हैं. आपको हायर किया गया, मुझे हायर किया गया,
और हम दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से लड्डू बनाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया मेरे साथ 10 लोग और आ गए तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मैं एक दिन में जितने लड्डू बना सकती हूँ उतने ही बनाऊंगी और अपने घर चले जाऊंगी। आपको समझ आ रहा है? आर वी ऑन द सेम नोट? ठीक है, तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि जो ए बंदा है वो पूरा कंसाइनमेंट हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये जो मैं बेसिक समझा रही हूँ ना, अगर आपको ये समझ आ गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, और सच्ची कह रही हूँ एक भी फॉर्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू नो माय टीचिंग स्टाइल, मुझे वैसे भी फॉर्मूलाज पसंद नहीं है। सो अब मान लेते हैं कि ए जो बंदा है ना वो सारे लड्डू बस 4 दिन में बना देता है, हमें नहीं पता कितने सारे लड्डू, मतलब पूरा काम जो है कोई भी काम होगा उसको बस 4 दिन में खत्म कर देता। और ये जो बी बंदा है ना उन्हीं उसी पर्टिकुलर काम को करने में 8 दिन लगा देता, आलसी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए अकेला काम करता, अकेला लड्डू बनाता तो 4 दिन लगाता, बी अकेला लड्डू बनाता तो 8 दिन लगाता। अब जब हमने दोनों को बिठा दिया, तुम भैया दोनों साथ में बैठो और दोनों साथ में काम करो, अभी जब दोनों साथ में लड्डू बना रहे हैं तो बताइए कितने दिन में पूरा कंसाइनमेंट खत्म कर देंगे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हमसे दो चीजें हैं, कि मुझसे पूछा है कि टोटल कितने दिन लगाएंगे कि वो कंसाइनमेंट खत्म कर देंगे, तो इसके लिए कंसाइनमेंट पता तो हो कि एक्चुअली उनको लड्डू बनाने कितने हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये दोनों फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप क्या करेंगे इन दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है, वैसे तो एलसीएम ऐसे लिया करते थे हम लोग बचपन में, याद होगा आपको, है ना, ऐसे लिया करते थे, 4 लिया 1 लिया 2 लिया 2, जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करते। अगर आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी भी परेशानी है तो आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है उसको तो लिख लेंगे और जो अनकॉमन है उसको लिख लेंगे, तो एलसीएम आ गया 8। ये तो बहुत इजी था, इसलिए मैं इसको बस यहाँ पे थोड़ा सा आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया। अगर डिफिकल्ट नंबर्स आए तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते। अब ये जो, ध्यान से समझिएगा दोबारा, अब ये जो एलसीएम है ना, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्क, मतलब उनको 8 लड्डू बनाने हैं बस, दिस इज टोटल वर्क। ये क्या दिया हुआ था कि ये 8 लड्डू 4 दिन में बनाता है और ये 8 लड्डू 8 दिन में बनाता है, तो अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम पर डे वर्क। क्या निकालेंगे? पर डे वर्क। अब बताओ एक बार कि अगर 8 लड्डू बनाने में 4 दिन लगाता है तो 1 लड्डू कितने दिन में बना, 1 लड्डू 1 दिन में कितने लड्डू बनाता होगा? 2। 8 divided by 4 2। एंड ये कितना लड्डू बनाता होगा 1 दिन में, मतलब पर डे वर्क इज ओनली 1। 1 दिन में अगर ये दोनों साथ में बैठे हैं आप और मैं, तो आप आए, आपने अपने 2 बनाए, मैं आई, मैंने अपना 1 बनाया, टोटल कितने बना दिए हम दोनों ने? 3। इट मींस कि आप और मैं जब साथ में बैठे तो हमने 3 लड्डू बनाए और अपने घर चले गए, फिर अगले दिन आए 3 लड्डू बनाए अपने घर चले गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि 8 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 8 divided by 3, so the answer is 8/3 days। आ रहा है कुछ समझ? एक क्वेश्चन और देती हूँ, अभी समझ आ जाएगा, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। पहली बार करवा रही हो, पहली बार समझ रहे होगे तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा हो, बट वंस एक बार आदत होगी तो वो समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो इधर देखो, मानते हैं ए एक आदमी है, बी एक आदमी है, ए किसी को काम करने में 10 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम आया 30, ठीक है, 3 2, 30 divided by 10, 30 divided by 15, ओके। इसका मतलब है कि ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है। अब मुझसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम होगा, 1 दिन में 5 काम होगा, टोटल काम कितना है? 30। तो कितने दिन लगेंगे? एग्जैक्टली आंसर 6 days, दैट्स इट। एक और दूं, आप लोग करो मेरे साथ, करो, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ऐसे इट्स नॉट
यू नो नथिंग इज रॉकेट साइंस हियर. या ए किसी काम को करने में 6 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है. भैया बताइए जरा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे? जल्दी गिव मी द आंसर. राइट, स्पेल सेम इज 12 2 1 3 by 3, आंसर 4. एब्सोल्यूटली. एक और कीजिए. ए किसी काम को करने में 1 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 2 दिन लगाता है, सी उसी काम को करने में 3 दिन लगाता है. बताइए तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? कुछ भी नहीं करना, सी के आने से डरना नहीं है. एलसीएम 6 6 3 2, ऐड किया कितना आ गया हमारे पास? 9 11. सो 6 by 11 डेज. आंसर एब्सोल्यूटली. कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? करके दिखाएंगे फिर आप मुझे. हम करें शुरू क्वेश्चन. चलिए पहले बताओ, हाउ इज द जोश? जोश, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, सो इट हैज टू बी हाई. वेरी गुड, आप लोगों के जोश से मुझे जोश आ जाता है. चलो पहला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से. 2017 में पूछा गया है आपसे, राम किसी काम को करने में 60 दिन लगाता है, सोहन उसी काम को करने में 40 दिन लगाता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने में खत्म करेंगे? वेरी गुड आयुषी. यस, सबका हो गया? शाबाश. 60 40, एलसीएम कितना आया है? 120 1200. ठीक है, यहां कितना आया? 30. यहां कितना आया? सॉरी 20 20. यहां कितना आया हमारे पास? 30 50. ऐड कर दिया, आंसर 24. शाबाश. चलिए तो आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए. ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 आवर्स, बी टेक्स 10 आवर्स टू डू द जॉब. हाउ लॉन्ग शुड ए एंड बी बोथ टेकिंग? करिए फटाफट. यस आयुषीश, वेरी गुड, वेरी नाइस स्पीड. राइट, शुभम, संचिता, सत्यम, प्रतिभा, ऋषभ, कमलेश, करिश्मा, ऑल गुड, वेरी नाइस. गरिमा, तोशिबा, कृति, अभिषेक, जया, विनीत, वेरी गुड. पूर्णिमा, सही आंसर आ गया. मतलब कि 8 10, इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट, वॉट इज एलसीएम? क्या आया हमारे पास? एलसीएम आ गया हमारे पास 4 into 2 and 5 into 2, 20 and 40. 40 इज द एलसीएम. 5 4 8, एंड सॉरी 9, ऐड किया 9, 40 by 9, 9 4 are 36, 36 plus 4 40 by 9. ठीक है, चलो अगला करो फिर. फोर्थ क्वेश्चन. जूम कर दिया मैंने. फोर्थ क्वेश्चन कर दे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. हाँ ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. शुभम ध्यान से पढ़ो. हाँ दिव्या, आयुषी, गुड. यस प्रतिभा, अभिषेक, शुभम, रीड राइट. ठीक है, क्या बोला है? ए और बी मिलकर किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं, ये क्वेश्चन बोला है. ध्यान से देखो,
ए और बी मिलकर किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं और ए अकेला बेचारा उसी काम को करने में 12 दिन लगा देता था, अब ये बोल रहा है तो बताइए बी अकेला कितना दिन लगाता है, क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 12, 3 और ये 1। इसका मतलब है, ध्यान से देखना, इसका मतलब है ए तो एक दिन में एक काम करता है ना, लेकिन बी के आने से वही काम 3 होने लग गया, तो बी कितना काम कर रहा है? 2। इट मींस बी इज डूइंग 2 वर्क, 2 लड्डू बनाता है रोज, 12 लड्डू कितने दिन में बनाएगा? 6 दिन में। आंसर आ रहा है समझ? गुड, चलो अगला करो, ये करके बताओ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। हाँ ममता, नहीं आया समझ? दोबारा से बताऊं? देखो क्या बोल रहा है मेरे बेटा, ए और बी जो है यहाँ पे दिया है, ए और बी जो है मिलके किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं, ठीक है, और ए अकेला उसी काम को करने में 12 दिन लगाता था। ओके ममता, दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से देखना। आप ये पूछ रहा है कि बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एलसीएम लिया, 12 आ गया, ये सब आ गया, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज पर डे वर्क है ना, पर डे वर्क निकालते हैं ना। इसका मतलब है कि ए अकेला जब काम करने बैठता है तो भैया 1 लड्डू बनाता है 1 दिन में, लेकिन जब बी उसके साथ आ जाता है तो वो 3 लड्डू बन जाते हैं, तो वो 2 एक्स्ट्रा लड्डू कौन बनाता होगा? बी तो बनाता होगा ना, क्योंकि ए तो एक ही बनाता है, ऐसा तो नहीं है ना बी के आने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई या घट गई। ओके, उसने 2 और बनाए, अब बी जो है वो 1 दिन में अगर 2 लड्डू बना रहा है तो 12 लड्डू का कंसाइनमेंट कितने दिन में खत्म करेगा? 12 डिवाइडेड बाय 2। 1 दिन में 2 लड्डू बनाता है, आता है 2 बनाता है, 2 बनाता है, 2 बनाता, 12 लड्डू कितने दिन में खत्म होंगे ममता? आंसर इज 6 डेज। आया समझ? आप पहले बताओ मुझे, तभी मैं 5th का आंसर बताती हूँ सबको, ठीक है? गुड, यस, 5th का आंसर इज 6 डेज। सिंपल है, 10 दिन 15 दिन, यह भी हमने किया भी है, हो गया। चलो अगला करो, ये करो, ए कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन फिनिश इन अ डे। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा और आंसर निकालिए, बड़ा आसान है। वेरी गुड, अगर आपको ये समझ आ रहा होगा कि बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है, इधर उधर की बातें, थोड़ी वोकैबुलरी खराब कर देता है, जैसे कि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक सबका सेम है, इट्स एब्सोल्युटली जीरो रॉकेट साइंस है ना, कुछ भी नहीं करा, बस डरा देगा इधर उधर की बातें कर करा के। आंसर इज बी, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में 18 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 9 दिन लगाता है, इतनी मुश्किल लैंग्वेज लिखकर इसने कोई, इसको कुछ मिल नहीं गया मेडल वेडल है ना। अब ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर काम करा, 18 एलसीएम आया, 1 एंड 2, इट मींस 1 दिन में 3 काम करते हैं, 1 दिन में यदि 3 काम करते हैं तो ये बोल रहा है कि बताइए व्हाट पार्ट ऑफ वर्क दे फिनिश इन अ डे, इट मींस 3 जो है वो कितना पार्ट है पूरे काम का, अगर पूरा काम 18 है तो 3 इज ओनली 1/6 है ना। अगर 3 का पार्ट पूछा है, पूरा 18 लड्डू बनाने हैं उसमें से 3 बने हैं, तो 3 इज व्हाट पार्ट, 3 इज ओनली 1/6। आंसर इज बी। नेक्स्ट करो, ये दो दो बार लिखी हुई है, सेम सेम, इग्नोर करना उसको, ठीक है, दो दो बार लिखी हुई है सेम सेम, सो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। बताइए, अगर एक लौटता पंचर होता है तो 9 मिनट में टायर फ्लैट कर देता है, दूसरा होता है तो 6 मिनट में कर देता है, दोनों एक साथ होंगे तो कितने मिनट में करेगा? वही बात है, वही रिपीट करे जा रहा है। राइट, ठीक है आयुषी गरिमा, गुड, सत्यम प्रतिभा, ठीक है बेटा करिश्मा, गुड, सो 9 एंड 6, ठीक है, यू कैन डू दैट।
बोलो 18 एलसीएम 2 3 5 18 बाय 5 दैट इज चेक कर लो सी ओके बस एक ये टाइप है इसके बाद एक और टाइप है वो मैं करवा देती हूँ पहले ये वाले खत्म करके मुझे बता दो इसको भी इग्नोर करना दो बार लिखा है जल्दी इसे करिए एक किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है बेटे की हेल्प से 3 दिन में खत्म कर देता है तो बताओ अकेला जब बेटा करेगा तो कितने दिन में खत्म होगा 8th क्वेश्चन गुड आयुषी मतलब कि ए जो है वो किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है लेकिन जब उसका बेटा आ जाता है मान लेते हैं बेटा ये है तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है तो बताइए कि जब बेटा अकेला करेगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा एलसीएम 15 3 एंड 5 8 सॉरी 8 नहीं 3 एंड 5 इट मींस कि पहले तो 3 ही काम कर रहा था बेटे के आने से काम 5 होने लग गया तो जो एक्स्ट्रा 2 काम हो रहा है वो कर कौन रहा है दो काम कौन कर रहा है बी कर रहा है बेटा कर रहा है अब एक दिन में 2 काम करता है 15 काम खत्म करने में कितने दिन लगाएगा 7.5 दिन हाफ ए अभिषेक ए बेटा 15/2 7.5 होता है 15/2 कोई डाउट चलो फिर ये करो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को 9th क्वेश्चन करो ए कैन डू अ जॉब इन 16 डेज बी कैन डू अ सिमिलर जॉब इन 12 डेज With the help of C, they did the job in 4 days. इसका मतलब है A plus B plus C is 4 days. अगर C अकेला करेगा तो कितने दिन लगाएगा ये क्वेश्चन है LCM कितना आया आपका LCM आप 48 ले लीजिए 16 3 जा 12 4 जा और ये 12. इसका मतलब है एक दिन में ए तो 3 काम करता था बी 4 काम करता था लेकिन जब दोनों आ गए तो 12 काम होने लगा इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा 5 काम हो रहा है पहले तो 7 ही होता लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 काम हो रहा है वो कौन कर रहा है सी कर रहा है अब सी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 48 काम कितने दिन में करेगा डिवाइडेड बाय 5 सिंपल 48 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज दिस 9 5 = 45 45 + 3 48 / 5 आई होप इट इज वेरी क्लियर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से देख लोगे ना और अपने पेपर से पहले ये वीडियो भी दोबारा देख लोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं बहुत सिंपल है ये बस हम कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं या क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है या जैसा आप मॉक्स में भी करते हो या अपने क्विजेस में भी करते हो बस 2 लाइन पढ़ी एंड आंसर मार्क कर दिया और बाद में ओ शिट यार ये क्या कर दिया यू जस्ट डोंट डू दैट ध्यान से पढ़ोगे यू बी अवेलेबल एंड हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलवेज देयर आंसर आराम से आ जाएगा ठीक है टाइप 2 कराऊं टाइप 2 क्या कहता है देखो आप लोगों के हाँ ना का तो मैं कभी वेट करती नहीं हूं आपको पता ही है टाइप 2 क्या कहता है जैसे मैंने अभी बताया कि 4 बिल्ली 2 चूहों को 3 दिन में खाती है तो बताओ 2 बिल्ली 1 चूहे को 5 दिन कितने दिन में खाएगी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते इसके लिए हम लोग दी ओल्ड मैन को याद करते हैं कौन ओल्ड मैन एमडीएच वाले अंकल मूंछों वाले उनको याद करते हैं ठीक है तो देर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एमडीएच इज इक्वल टू एमडीएच 1 1 1 2 2 2 ध्यान से देखिएगा बड़ा इजी है कुछ भी नहीं है यहां पे सबकी नजर डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय W2 ध्यान से सुनना है इसको ये क्या बोल रहा है यदि कोई भी आदमी मैन किसी काम को करने में कितने दिन लगाते हैं कितने घंटे लगाते हैं This has to be equal to the number of man, days, hours and work done. तो यदि मुझे क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि 6 बिल्ली 4 चूहों को खाने में 4 चूहे इज द वर्क 4 चूहों को खाने में 2 दिन लगाती है तो बताइए कि 3 बिल्ली
दो चूहों को खाने में कितने दिन लगाएगी, दैट्स इट। जो दिया है वो एमडीएच के फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर खत्म। इतना आसान है ये, कर दो बस। ये टू से टू गया, ये टू से टू गया, ये टू गया, आंसर इज टू। 2 दिन में खा सकती है वो सारे चूहे। बस आपको वर्क को रिकग्नाइज करना है कि वर्क क्या हो रहा है, और वर्क को डिनोमिनेटर में रखना है, बाकी सबको न्यूमरेटर में रखना है। तो वर्क तो रिकग्नाइज हो जाएगा ना, अगर आपसे बोल रहा है कि वो क्या बोला उसने, दैट फोर मैन स्टिचेस फाइव शर्ट्स इन 7 डेज वर्किंग 9 आवर्स, हाउ मेनी शर्ट्स विल बी स्टिच्ड बाय 3 मेन वर्किंग 9 डेज एंड 7 आवर्स ईच। बड़ा आसान है, करिए। एमडीएच का फॉर्मूला लगाइए, कह रहे 4 आदमी 5 शर्ट को स्टिच करते हैं, तो दैट इज वर्क 7 दिन में, और रोजाना 9 घंटे काम करते हुए। अगर आवर नहीं दिए तो हटा देंगे उसको, लेकिन आवर दिए तो लिखेंगे। अगर कभी हो सकता है कि आपको वो नंबर ऑफ डेज ही ना दिए हो, मिनट्स लिखाओ, सेम इधर और इधर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम का सेम स्टेटिक्स होना चाहिए। इधर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी शर्ट्स, इट मीन्स मुझसे वर्क पूछा है, विल बी स्टिच बाय 3 मेन वर्किंग 9 डेज एंड 7 आवर्स ईच। बस जो कट रहा है काट दो, आंसर काट। अभी तो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखा था, सो द आंसर इज 15 बाय 4। 15 बाय 4 शर्ट्स वो बनाएंगे। आगे समझ, एक क्वेश्चन इस पे कर लो। दीज आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर के फेवरेट हैं। वो यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, 2015 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर बताइए, कम ऑन। आ गया, कितना आसान है ना। एमडीएच लगाना है, 50% कैन असेंबल 40 मशीन्स, तो ये वर्क होगा इन 30 डेज। इन 30 डेज हाउ लॉन्ग विल 25% टेक्स टू असेंबल 20 मशीन्स, मुझसे ये पूछा है। बस निकल जाएगा आंसर सी। ये काट दो, ये कट गया 2 आ गया, ये कट गया यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 से 2 कट गया, आंसर इज 30, ऑप्शन सी। एंड आउट्स, दैट्स इट, हो गया टाइम एंड वर्क खत्म, और कुछ नहीं करना। तो आपको जब ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन डू दैट। आप ई बुक्स में जा सकते हैं, ई बुक्स के अंदर हम लोगों ने मटेरियल के अंदर दिया हुआ टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस, आप वहां से अटेम्प्ट करो अपनी प्रैक्टिस के लिए। बट दीज आर द 2 वेरी बेसिक थिंग्स। इसमें कभी कभी ना वो आपको ऐसे फंसा देगा, पाइप एंड सिस्टम्स डाल देगा कि एक पाइप जो है वो 4 घंटे में पानी निकालता है, दूसरा पाइप जो है वो 5 घंटे में पानी निकालता है, बताइए दोनों पाइप एक साथ चलाएंगे तो कितना। तो लैंग्वेज में नहीं फंसना है ना, लैंग्वेज में हमें कतई नहीं फंसना, 4-5 वही सेम फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालते। आई होप यू कैन डू दैट। अगर वो ऐसे बोलता है, वो इसको ऑपोजिट भी कर सकता है, अभी तो हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है कि एक टैप को खोला, एक टैप जो है वो पूरे टैंक को खाली करने में 4 घंटे लगाता है, दूसरे टैप को खोला तो उसी को खाली करने में 3 घंटे लगाता है, दोनों टैप एक साथ खोल दिए तो टैंक कितनी देर में खाली हुआ। अगर ये लैंग्वेज वो दे देगा तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, नाक तो नहीं कटवाओगे, कर लोगे ना, बोलो। सेम लॉजिक, एब्सोल्यूटली सेम, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ही माइट कंफ्यूज यू विद द लैंग्वेज, बट यू डोंट हैव टू कम इन द ट्रैप
वो ट्रैप फंसाएगा हर हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में. सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रही हूँ, वो पोल साइंस के अंदर हो सकता है, पॉलिटी के अंदर, लीगल के अंदर, आपको लैंग्वेज में डराने की कोशिश करेगा. याद है ना मैंने लास्ट क्लास में वो वाला एग्जाम्पल दिया था मारियो वाला, वो ऐसे करेगा दैट इट विल शो यू सम ऑफ द टेम्पटिंग थिंग्स या फिर ड्रैगन, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी रखनी है कि कब कहां से बच के निकलना है. ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया. बाकी कोई टेंशन ही नहीं है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अच्छे से मॉक्स अटेंड करो, क्विज को टाइम पे अटेम्प्ट करो. जो कुछ भी ई बुक्स के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, स्टैटिक का मटेरियल है आपका, उसमें सेक्शनल टेस्ट है, वो सब चीजें करोगे तो सो ऐसे पेपर मिल जाए ऐसे. ठीक है, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक आप लोगों को एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, जिसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे. फैक्चुअल चीजें तो आपने पढ़ ली होंगी, बट कंसेप्चुअल भी कि वो आपको कहाँ हेल्प कर सकती हैं. आपके घर में छोटे भाई बहन बहुत सारे लोग होंगे, सो आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो विद यू. अगर आपको सही लगे तो प्लीज आगे शेयर करना, लोगों को पता चलना चाहिए दैट हाउ दिस एक्चुअली कैन चेंज द एंटायर सिस्टम. है ना, कोई सवाल किसी का? अभी कुछ नहीं कह सकते कितेश हम. अभी कुछ नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल क्या होगा. मुझे अपना नाम रोशन नहीं कराना है, तुम्हारे इस रिजल्ट से तुम्हारा नाम रोशन कराना है. आई वॉन्ट कि यस यू कैन से दैट वाओ वी हैव डन इट एंड वी कैन शट एवरीबडी डाउन. दैट जो लोग कहते थे कि इतने कम समय में तैयारी नहीं हो सकती, आप लोग उनको अपना बिफोर और आफ्टर बता सको कि हाँ 10 जून से पहले मैं ऐसा था और 10 जून के बाद मैं ऐसा था. वो आते ना टेली शॉपिंग के एड्स आते हैं ना, वो वाले मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं. तो मॉक्स में दो चीजें होती हैं विनीत जिनकी वजह से मार्क्स कम आते हैं. पहला, आप गेस वर्क बहुत करते होंगे, आप तुक्के मत मारिए. दूसरा, आप अपने पुराने लिखे हुए मॉक का एनालिसिस ठीक से नहीं करते होंगे. यही दो कमियां होती हैं जिनकी वजह से मॉक में मार्क्स कम आते हैं. और ये दो कमियां आप में हैं तो इनको देखिए, इनको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, डायग्नोस कीजिए और फिक्स कीजिए. तो एनालिसिस अच्छा रखना है और तुक्के नहीं मारने. ओके, डन. सो मिलते हैं हम लोग. देखो मैंने तुम्हें ऐसे 20 मिनट में, 15 मिनट में हमने प्रैक्टिस भी कर ली और टाइम मेंबर खत्म भी हो गया. कोशिश करूंगी कि ऐसे हम लोग कभी कभी मिलते रहें और छोटे छोटे टॉपिक्स दिमाग में जाते रहें, तो इट विल बी वेरी इजी एंड केक वॉक. एक बार शक्लें दिखा दो जरा अपनी, मैं भी खुश हो जाऊं थोड़ी. हाय विनीत, हेलो सुमित, हेलो कमलेश. मैं भी तो ऐसे आई रियली वॉन्ट टू सी. मैंने बहुत सारे मीम ऐसे देखे हैं कि लोग ना ऐसे म्यूट और वीडियो ऑफ करके फोन करके ऑन करके छोड़ देते हैं. तुम लोग तो ऐसे नहीं करते हो ना, क्योंकि अटेंडेंस थोड़ी ना लग रहा है यहाँ पे. हाय कृति, अब आप ये सोचो कि यू आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग ऐसे मिल पा रहे हैं. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लेक्चर ही नहीं अटेंड करते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे. यार रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं. सो यू शुड नॉट टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सो गुड टू सी यू. मैं तुम्हारी फोटो ले लेती हूँ. कभी कभी मिल पाते हैं ना हम लोग. स्माइल कर दो, मेरा फोन भी आ रहा है. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे. अब मौसम जाके एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, मैंने आपका दिन बना दिया ऑलरेडी. चलिए, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू.